हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। मैं हूँ सुबुज, आप देख रहे हो इंडियन बाइकर। आज हम एक जो मेरा होंडा हॉर्नेट है, मैं 1 ईयर्स की हो चुका है, मैं 1 ईयर से आपको ये राइड कर रहा हूँ। तो मुझे कोई कोई चीज़ मुझे जो इस बाइक में अच्छे नहीं लगे, मैं उस बारे में बात करूँगी दोस्तों। जो मुझे इस बाइक के जो जो चीज़ अच्छे लगे हैं उस बारे में बताऊँगी। मुझे दोस्तों मेरा चैनल पर पहली बार आया हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं रोज़ाना आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर रहता हूँ। तो दोस्तों इसके पहले हम बात करें जो हैंडल है इसके बारे में। जो मुझे जब राइड करता हूँ तो मुझे ठीक ठाक लगता है, लेकिन जब मैं गाड़ी को ऐसे बैक करता हूँ तो खास है यहाँ पे जो है यहाँ पे अटक गिरने की मुझे चांसेस इतना लगता है, मुझे अनकम्फर्टेबल फील होता है। दूसरी बात करूँ जो यहाँ पे जो इंजन का किल स्विच नहीं दिया है, जो आर 150 cc की बाइक में दिया जाता है। दोस्तों इसके जो गियर बॉक्स है स्मूथ नहीं है, इसमें जो मैं न्यूट्रल में लेने की कोशिश कर रहा हूँ नहीं तो ये नीचे चला जाता है फर्स्ट गियर में, जब मैं ऊपर तुलता हूँ तो ये सेकंड गियर में चला जाता है। न्यूट्रल में लेने में बहुत ही प्रॉब्लम रहता है। दोस्तों इसकी मैं चेन के बारे में बात करूँ, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसकी जो चेन है इसमें साउंड आता है इसमें, और इसमें जब मैं टाइट करता हूँ तो 2-1 दिन में फिर से ढीला हो जाता है। ये मुझे अच्छी चीज़ नहीं लगा कि मैं शुरू में तो बता चुका हूँ, लेकिन इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो दोस्तों इसकी जो इंडिकेटर है ये फ्लेक्सिबल नहीं है, इस फ्लेक्सिबल दे देता तो ज़रूर अच्छा होता, ये मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि फ्लेक्सिबल देने में ये टूटने की चांसेस कम रहता है। दोस्तों इसके हम एडजस्ट के बारे में बात करें दोस्तों, जो मुझे स्टाइल में तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर लुक दिया है इसमें, लेकिन पीछे जो बैठेगा इसमें जो पैर रखेगा इसमें क्रैचेस क्रैचेस पड़ जाता है। मुझे भी पैर क्रैचेस आया था, लेकिन मैं इसमें कार्बन फाइबर दिया हो तो इसमें दब देख सकता हूँ कि कार्बन फाइबर की है। इसमें भी दे चुका हूँ मैं, इसमें रेड कलर के लिए स्टाइलिस्ट के लिए दिया है। तो दोस्तों मैं इसी सीट के बारे में बात करें दोस्तों, जब जो इसके कम राइड करेगा बैठ के उसके लिए तो बहुत ही कंफर्टेबल है, लेकिन जो पीछे जो बैठेगा वो फिसल के सामने की तरह चलाता है। ये सीट मुझे पीछे जो बैठता है उसके लिए अनकम्फर्टेबल नहीं है, लेकिन इसमें जो बैठेगा जो राइड करेगा उसके लिए बहुत ही कंफर्टेबल है। मैं बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ मैं इसमें जो ड्राइव, अब जब जो इस बाइक में जो लेना चाहते हो तो इसमें ड्राइव करके ज़रूर देखें। मुझे जो इस बाइक में दोस्तों, आप इस बाइक को लेना चाहते हो तो मैं सिंगल डिस्क वाला ले आया हूँ, क्योंकि शुरू में मुझे बताया था कि सिंगल डिस्क में आपको माइलेज ज़्यादा मिलता है, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि आप सिंगल डिस्क वाला ना ले, आप डबल डिस्क वाला ले, क्योंकि आप सिंगल डिस्क वाला जब लेते हो तो इसमें जब ब्रेक दोगे तो इसमें फिसलने के चांसेस रहता है। मुझे ये राइड करते वक्त मुझे ये महसूस हुआ है, जो मैं डबल डिस्क वाला लेता तो मुझे ज़्यादा अच्छा होता। अब माइलेज की चिंता की नहीं करें, आपकी सेफ्टी के बारे में पहले आप सोचें। दोस्तों इस बाइक में मुझे जो जो चीज़ अच्छे लगे उस बारे में बताएं दोस्तों। इसकी जो मीटर कंसोल है इसमें आप देख सकते हो फुल LED की साथ आपको देखने के लिए मिल जाएगा, डिजिटल मीटर दिया हुआ है इसमें आपको। मैं इसकी माइलेज के बारे में बात करूँ दोस्तों, जो मुझे बहुत अच्छा लगा इस बाइक में, आपको 40 से 45 तक आसानी से इस माइलेज दे देगा। मुझे इसकी इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें। अब जब राइड करोगे जो आप, मैं इसको 95 km/h की स्पीड में आपको ड्राइव किया तो मुझे इसकी जो वाइब्रेशन है, मुझे वाइब्रेशन कहाँ से भी नहीं मुझे महसूस हुआ। मैं दूसरी बात इसका दोस्तों, इसकी टायर जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इतनी चौड़ा होने के साथ साथ मुझे इस बाइक को थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव लुक तो प्रोवाइड करता है, लेकिन आप जब राइड करोगे दूसरे की जो नज़र है आपको टायर की नज़र ज़रूर पड़ेगा। इसकी जो मैं लुक्स की बारे में बात करूँ दोस्तों, मुझे तो इस बाइक में लुक बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें जो नया वर्जन आया है उसमें स्टिकर की जो चेंजेस किया है उसमें भी इस बाइक को और भी स्टाइलिश लुक दिया गया है। इसकी जो है वो इसकी जो हेडलैम्प है उसमें चेंजेस किया है, वो LED दिया है, मुझे वो बात ज़रूर पसंद है, क्योंकि ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप जब राइड करोगे इसमें उतना लाइट आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तो अब मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आप
जब राइड करोगे तो आप हेलमेट ज़रूर पहने, क्योंकि आपकी सेफ्टी भी आपके लिए सबसे बड़ा बात है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।